कल तक जो महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच और उनके खिलाफ उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज वो उनके साथ पहुंच गए तो उनको तो सरकार में शामिल कर लिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर इन दिनों लगातार सदन के अंदर और बाहर धरना जारी है। लगातार विपक्ष के लोग उनसे जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन के अंदर कुर्सी उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से यह मांग को रखा जा रहा है। विजय चौधरी का इस पर बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि चार सीटेड होने से कोई जो है दोषी नहीं होता है और इन दिनों जो सीबीआई ईडी आईटी का जो रोल है केंद्र सरकार जिस तरीके से कर रही है, उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि जो जिसके ऊपर ये लोग कार्रवाई की बात कर रहे थे वो उनको आज शामिल कर लिया, शामिल ही नहीं बल्कि सरकार में ले आए। उसके बाद ये लोग विरोधियों के खिलाफ में इस तरीके से करते रहे हैं, हालांकि दोषी तब होगा जब न्यायालय कहेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के बचाव में अपनी तमाम बातों को रखा है, जरा सुनिए पूरा बयान। सीधी बात समझ लीजिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि चार्जशीट हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है, जब तक मामला न्यायालय पूरा विचारण करके उनका दोष सिद्ध नहीं कर दे, उनको दोषी नहीं पाए, तब तक वो दोषी नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि कई मामले ऐसे हुए हैं कि सीबीआई ने या किसी ने ईडी ने चार्जशीट किया है, कोर्ट से लोग बड़ी हो गए। और उससे भी बड़ी बात है जो देखने समझने की बात है और आज पूरा देश देख रहा है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कि उनका उपयोग कैसे हो रहा है, कि जब कोई उनके विरोधी दल के साथ हो जाता है तो उनके खिलाफ सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। और अभी तक कल तक जो महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच और उनके खिलाफ उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज वो उनके साथ पहुंच गए तो उनको तो सरकार में शामिल कर लिए, उनका सारा दोष खत्म हो गया। तो ये जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग का रिकॉर्ड जो बन रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी जनता देख रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में भी जब तक कोर्ट नहीं फैसला करता है, कोर्ट नहीं किसी का दोष सिद्ध करता है, तब तक दोषी मानना उचित नहीं और न्याय संगत नहीं। ऑडियो खराब कर देगा। मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया, जब तक जो है तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं सदन नहीं चलने देंगे। आपको इस बात में तानाशाही नहीं दिखती है? सदन में किसी को सिर्फ अपनी बात कहने का हक है, सदन नहीं चलने देंगे ये बयान देना ही अलोकतांत्रिक है, तानाशाही रवैये का प्रतीक है, जिसका समझिए मरकज और केंद्र जो इनके सर्वोच्च नेता है जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति से शासन चला रहे हैं, ये उसी का समझिए रेप्लिका है, दोहराते हैं उस वैसी बातों को। फोन टैपिंग किया जा रहा है क्या विधायकों का? फोन टैपिंग का भी आरोप लगा है मुख्यमंत्री पर भी, फोन टैप करवा रहे हैं। आप समझ लीजिए जो फोन डिपार्टमेंट किसके जिम्मे है, फोन डिपार्टमेंट जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ है या जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भारत सरकार के अधीन है कि बिहार सरकार के अधीन है? अरे आप लोग भी कुछ पूछा करिए ना। कोई आदमी इस तरह की बेसिर पैर की बात करता है तो आप हम लोग से पूछने लगते हैं? भाई उन लोगों से तो बात समझ के ज्ञान वर्धन किया करिए, भाई इतना बड़ा ज्ञान की बात कहाँ से लाते हैं? हो गया।